नमस्कार। दिल्ली की राजनीति हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि दिल्ली में एमसीडी को लेकर क्या माहौल है, जनता किसके साथ है और कैसी समस्याओं से जूझ रही है, साथ ही इसके निदान पर क्या आवश्यक बातें हो सकती है। इसके अलावा हम देश और राज्य की पॉलिटिक्स की तमाम बातें भी जनता से कर ही रहे हैं और करने के पीछे का कारण यह है कि कम से कम एमसीडी के बहाने ही एमसीडी के साथ साथ विधानसभा चुनाव की भी बातें हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं अमन प्रजापति और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। दो चार चाचा बैठे हुए हमारे साथ, अभी फिलहाल हम जहांगीरपुरी में मौजूद हैं, तो चाचा से बात करते हैं। जहां हम हैं ये जे और आई ब्लॉक के बीच का इलाका है। चाचा शुरू करते हैं, नाम बता दीजिए। विजयपाल। चाचा ये कौन सा इलाका है? ये आई और जे ब्लॉक की जहांगीरपुरी। ठीक है चाचा, एमसीडी चुनाव आना है, कैसी समस्याएं हैं यहां? बस समस्या तो यार नाले भरे पड़े, नाली भरी पड़ी है सारी घरों के अंदर, सारी समस्या घर में नाली भर के घर का रोड के ऊपर पानी आया खड़ा है, तो कितनी दिक्कत है। हाँ। जब मकान पहले बने हुए है, पुराने मकान है, झील में चले गए, मैं घर में पानी जा लग रहा है, क्या किसे कहे सफाई करो, किसे कहे कोई सुनता ही नहीं है। चाचा केजरीवाल सरकार वादा करती है कि उसने बहुत काम किए हैं दिल्ली के अंदर, वहीं बीजेपी का शासन है एमसीडी में, तो क्या लगता है दोनों ने काम किया या किसी ने काम किया? अब देखो क्या अब करा कौन कर रहा कौन नहीं, जब यहाँ हम तो जो आप विपत्ति भर रहे हैं तो किसी से बताओ कौन कर रहा नहीं कर रहा। एमसीडी में जब वोट डालने जाओगे तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? अब जरो कह रहे चलो भाई केजरीवाल को आना चाहिए, केजरीवाल को आना चाहिए, केजरीवाल कह रहा है सारा करेंगे, देखो करते नहीं करते, इसलिए केजरीवाल को दे देंगे वोट। अच्छा, मोदी जी कैसे नेता? मोदी जी भी अपनी जगह से, मोदी जी ऊपर जो पैसे वाले उनके लिए ठीक है, वो गलत है, बाकी गरीब जो कर रहे गरीब की जहाँ खाली जगह पर लाइटिन पहले जो बनवा रहे बनाए रहे हुए कह रहे हैं। केजरीवाल आरोप लगाते रहते हैं कि मोदी जी झुग्गी वाले को नहीं बसने देते हैं दिल्ली के अंदर, सही है क्या? अब देखो ये तो हमें सुना नहीं पड़ा, अभी कोई कहीं रुकावट तो पड़ी नहीं है, आगे पता नहीं कहाँ कहीं वार हो रहा होगा, यहाँ से अभी कोई रुकावट पड़ी है नहीं ऐसी, यहाँ बस साफ सफाई की समस्या। हाँ, नाम बता दो। मेरा नाम राकेश। राकेश जी क्या समस्या है? समस्या ये है जी, यहाँ पे ना तो साफ सफाई ना साफ सफाई है, मतलब यहाँ कोई सहूलियत वाली बात नहीं है किसी भी चीज़ में एमसीडी की तरफ से, किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली? नहीं जी, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। बीजेपी का शासन रहा है 16-17 सालों का, कैसा रहा कार्यकाल? वो तो हम क्या यहाँ पे तो कोई भी बता देगा इस चीज़ के बारे में कि साधन उनका कैसा रहा कैसा नहीं रहा, बाकी सही नहीं है दिल्ली की जनता के लिए। हाँ, दिल्ली की जनता के लिए सही नहीं है जी। केजरीवाल कैसे लग? देखो जी केजरीवाल अभी तक तो ठीक ही है, केजरीवाल अभी तक तो ठीक ही है, क्योंकि उन्होंने अभी स्कूल हॉस्पिटल जो सहूलियतें दी है वो ठीक है बिल्कुल। अच्छा, क्या होना चाहिए इस बार एमसीडी में किसकी सरकार? देखो जी केजरीवाल तो अभी तक नहीं आए, लेकिन केजरीवाल को एक मौका दिया जाए। दिल्ली के लोग ये भी कहते हैं कि एमसीडी में जो एक बार टिक जाता है वो फिर दिल्ली की सत्ता से दूर हो जाता है, उसका कारण ये होता है कि एमसीडी में जो गंदगी फैली होती है उसमें अधिकतर गंदगी ऐसी होती है जो आम लोग खुद ब खुद फैलाते हैं। नहीं वो बात तो ठीक है जो बात आप कह रहे हो, लेकिन इसकी एक वजह और भी है, आप अभी पूरे रोड जा कर के देखिए नालों में इतनी गंदगी है, समझ रहे हो आप बात? तो क्या पार्षद साहब इसकी कोई सुनवाई नहीं करते? सुनवाई अगर जो करते तो फिर ऐसा होता क्यों? लोगों को जो समस्याएं हो रही है तो लोग बताते हैं अपने पार्षद से? देखो जी बताते तो होंगे, लेकिन हमने कभी नहीं बताया उनको, ना हमारी कभी उनसे मुलाकात हुई। हाँ जी, वोट डालने के बाद जब नतीजे निकल जाते हैं उसके बाद से पार्षद दिखाई देते हैं? कोई भी नहीं दिखाई देता जी। अच्छा, कोई भी नहीं दिखाई देता। अभी तो चुनाव का टाइम है, अभी तो दिख रहे हैं। हाँ जी, अभी तो खूब आ रहे हैं। कैसे हाल में आते हैं? हाल में कैसे आते हैं? ठीक ठाक आते हैं, अच्छे हाल में आते हैं। नहीं मतलब हाथ पांव जोड़े हुए ऐसे? हाँ जी, हाथ पांव जोड़े हुए आते हैं जी, वोट हमें ही देना, वोट हमें ही देना, सारी पार्टियां यही आती हैं, वोट हमें देना, वोट हमें देना। अच्छा, एक मन की बात, तो मन ही मन जनता क्या कहती है? मन ही मन जनता तो ये कहती है इस बार केजरीवाल। साजिद जी बताएं क्या समस्या है? समस्या ये जो भाई ने बताया आपको, पानी की नाले की यही समस्या है, नाले भरे हुए देखने वाला कोई नहीं है जी, सुनवाई नहीं होती जी, सुनवाई नहीं होती। हाँ जी, ये पूरे जहांगीरपुरी के सुन? हाँ जी, आई जी ब्लॉक में तो नाले भरे हुए, आप देख लो गंदगी कितनी है। हाँ, गाड़ी आती है? नहीं, गाड़ी वाड़ी तो क्या वो आती है 15 दिन में। हाँ, आती है गाड़ी। डेली नहीं आती? नहीं, डेली कंटिन्यू नहीं आती।
लोग करते हैं जब आती है, लोगों को जब शिकायत होती है तो क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं, जल बोर्ड में जाते हैं, वहीं अपनी समस्या रखते हैं कि साहब ऐसे जब आते हैं पानी नाले भर गए, घरों में पानी आ रहा है, जो वहाँ से आते हैं बंदे जब भी साफ सफाई होती है। तो दिल्ली वाले के मन में क्या है इस बार एमसीडी को लेकर? एमसीडी वाले दिल्ली वालों को ये भाई केजरीवाल ही जीतना चाहिए। केजरीवाल क्यों जीतना चाहिए भाई? वो ही ज़्यादा सपोर्ट करता है, पानी की समस्या, बिजली का बिल कम हुआ, ये रोड का समस्या वही हल करता है। अब तो माफ़ी भी ख़त्म हो गई। अब देखो माफ़ी खत्म हो गई लेकिन लोगों की उम्मीद तो ख़त्म नहीं हुई भाई। देखो जो अच्छा करता है उसी को पब्लिक याद करती है। उम्मीदें किसके साथ? उम्मीदें तो वही है केजरीवाल के साथ ही है भाई जी। एक बात और बताओ, केजरीवाल और मोदी इसके अलावा दिल्ली में कोई और नहीं भाई? देखो जो अच्छा करता है पब्लिक उसी के पीछे पड़ती है, जो अच्छा करता है। मोदी जी अच्छा करेंगे तो पब्लिक उनके पीछे जाएगी, केजरीवाल जी अच्छा करते हैं तो उनके पास जाएगी, जो अच्छा करता है पब्लिक इसके साथ देती है सबका। केजरीवाल का कौन सा काम सबसे अच्छा लगता है भाई? यही केजरीवाल का, ये नाली का हुआ, बिजली का बिल का हुआ, पब्लिक परेशान थी जी। पब्लिक की जो है बिल लेके बैठी थी, पब्लिक इतने महंगे महंगे बिल आ रही थी, उनकी समस्या सोल्व करी, गरीबों की समस्या सोल्व करी। और भी है जल बोर्ड के काम, स्कूल के काम, हमेशा से जोर लगा के कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली के स्कूलों की स्थिति अच्छी कर दी, शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर हो गई है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उन्होंने अच्छी कर दी है। क्या ये सही है? यह सही बात है, हकीकत है। हाँ जी सही बात है, स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो जी। जी अच्छी है। तो एक और सवाल है चाचा आपसे पूछते हैं, जब ये लोग ऐसा कहते हैं कि हमने ये चीज़ें सही कर दी तो नेताओं के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते? देखो जी, पैसे वाली पार्टी है, कुछ भी कह सकते हो, पैसा बहुत है कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अपने बच्चे तो स्कूल में सरकारी में ही पढ़ रहे हैं और अच्छी सहूलियत के साथ, हर चीज़ की अच्छी सहूलियत। किसी प्रकार की समस्याएं नहीं? नहीं जी, कोई समस्या नहीं है, हमें कोई भी समस्या नहीं है जी हमें। हाँ जी। हाँ एक और सवाल है आपसे, म्यूनसिपल का काम देख लेते हैं, एमसीडी का काम देख लेते हैं और इसका काम देख लेते हैं, केजरीवाल का काम देख लेते हैं। मानकर चलो 17 साल बीजेपी ने म्यूनसिपल पर राज किया, अगर 17 साल दिल्ली में केजरीवाल राज कर जाए म्यूनसिपल पे और सरकार में, तो क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? अरे पूरी दिल्ली बदल जाएगी। अच्छा। और आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, पूरी दिल्ली ही बदल जाएगी। केजरीवाल से इतने खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल खुश। इतनी संतुष्टि का कारण? भाई कारण तो ये देखो ना, हमारे बच्चों को अच्छी सहूलियतें मिल रही हैं, इससे और ज़्यादा क्या चाहिए? अस्पताल देख लो आप, हॉस्पिटल वगैरह देख लो आप, स्कूल देख लो आप, बिजली देख लो, मतलब जो जो सहूलियतें गरीब इंसान को चाहिए वो सारी सहूलियतें केजरीवाल सरकार की तरफ से बढ़िया एकदम। अच्छा अच्छा चाचा अस्पताल की बात कर रहे थे, चाचा हम पूछना चाह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक तो आप जानते होंगे? मोहल्ला क्लिनिक जो केजरीवाल ने खोला? हाँ। तो मोहल्ला क्लिनिक में कभी गए? ना मैं नहीं गया, बाकी ये अस्पताल खुले जो और शालीमार खुला है, इधर खुले, इनमें गए हैं। दवाई बढ़िया सही हिसाब चल रहा है, जो भी चल रहा है व्यवस्थाएँ अच्छी है? व्यवस्था अच्छी है सब। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल सरकार से कोई दिक्कत नहीं? कोई नहीं दिक्कत। एमसीडी में क्या? एमसीडी में बेकार है। कैसे? एमसीडी में तुम यहीं जाके देख लो, कूड़ेदान में गौ गाय बैठी थी सारी, रोड पर गाड़ी निकला तो जगह नहीं है, सब कुछ देखो तुम यहीं कूड़ेदान पर देख लो, और दूर थोड़ो। तो बीजेपी से जनता खफा है यहाँ? खफा होगी, क्यों? बीजेपी का आता नहीं, कांग्रेस का आता नहीं। हाँ। और जो यहाँ का नेता है वो देखता नहीं, यादव को देख रहा है, आम आदमी को देखने का गैंगपुरी कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। अच्छा जब चुनाव का टाइम आया है तो एक बात बताइए, फिर ऐसे पार्षदों को देखकर जब वो हाथ पांव जोड़े हुए मिलते होंगे तो जनता मनी मन क्या कहती है? गाली देती है। गाली देती है? हाँ। मैं तो एक वोट मिल जाए भाई, वो जिसमें वोट डालना है, निशान कोई ना हो, खाली वोट दे दूंगा अपना नोटा। हाँ किसी को नहीं दूंगा। अच्छा तुम ही देख लो भाई, यहाँ पे गेट है, कहीं यादव नगर में चले आओ तुम्हें गली मोहल्ले में आधा गेट मिलेंगे। अच्छा। और डांगीपुर में कहीं गेट नहीं है। यहाँ का पार्षद किस पार्टी? आम आदमी। जब पार्षद केजरीवाल के हैं तो फिर समस्याएं क्यों हो रही है, ऐसा कभी पूछा? भाई अब यादव का साथ दे रहा है, सब कुछ साथ दे रहा है, डांगीपुर में होते भी किसी का साथ नहीं दे रहा है, तो क्या? अच्छा, मतलब यहाँ जातिवादी चल रही है? हाँ वही समझ लो, जातिवादी समस्याएं हैं। अच्छा जी, मोदी जी का काम कैसा लगता? मोदी जी का काम भी ठीक ही है, ठीक है, लेकिन हिसाब ये है कि अपनी गा सकते हैं, हम तो अपने मोहल्ले की गा सकते हैं। एक बात बताओ, दिल्ली में केजरीवाल का शासन ठीक है, नेशनल में मोदी जी का शासन ठीक है, और बाकी एमसीडी में आ जाएं तो किसका शासन ठीक है आपके हिसाब से? या अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो करेक्ट कर दे। एमसीडी में भाई? हाँ।
देखा तो इधर का नेता ही बदल दो हमारे इधर का, बाकी मोदी जी ठीक है एमसीडी में। चाचा बस एमसीडी पे पूछा जा रहा है। हाँ जी पूछो। हाँ पहले अपना नाम बता दो। और नाम सुरेश कुमार वाल्मीकि। वाल्मीकि साहब ये बताओ कि यहाँ की समस्याएं क्या है और आपके हिसाब से इस चुनाव में क्या होना चाहिए? सर हमारे समाज को बस बैकफुट पे जा रहा, हमारे समाज का कोई समझने वाला नहीं है यहाँ कोई भी। हाँ जी हम तो वोट देने के लिए और जूता खाने के लिए हमारा समाज। हाँ वो कहिए ना। हाँ मतलब ऐसा हो गया है कि जातिवाद जातिवाद फैला। हाँ सर जातिवाद तो है हिंदुस्तान के अंदर और क्या है। सही बात है। यहाँ तो हम तो वोट देने वाले हैं, हमारे तो लाइन में लगने वाले आदमी, हमारे तो वोट दे के निकल जाते और उसके बाद कोई नहीं पूछता। कोई पार्टी नहीं। कोई पार्टी कौन पूछता है जी, कोई नहीं पूछता। आज तक तो किसी ने पूछा नहीं सर। सारी पार्टियां कहती है कि हम एक दूसरे समाज के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। केजरीवाल भी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं और उसके अलावा राहुल गांधी जी भी कहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं। सर केजरीवाल साहब ने क्या किया समाज के लिए? हमारे वोट लेकर हत्या के नर बैठ गया उस पर, यानी हमारे समाज के लिए उसने कुछ नहीं किया। आप समाज के लिए कैसी मदद चाहते? मदद एक बात है सर, हम तो जो सबसे आखिरी में पीछे वाली लाइन में बैठे हैं, जो सबसे नीचे और पीछे, यानी क्या मदद किया किसी समाज को? हमारा आदमी एक है ना वाल्मीकि समाज का आदमी एमसीडी में नौकरी करता है, सफाई का काम, और वो 20-20 साल तक 10,000 में ही काम कर रहा है। बताओ उसके लिए उसने ये कहा था कि भाई मैं आपके समाज को कामयाब करूँगा, पक्का कराऊँगा, ठीक है ना। लेकिन उसने आज तक क्या कराया सर? कुछ नहीं कराया, कोई काम नहीं कराया। हम तो वोट किसने दिया? वाल्मीकि समाज ने केजरीवाल को 100% वोट दिया सर। वाल्मीकि समाजों की संख्या क्या होगी पूरे दिल्ली? पूरी की दिल्ली देखा सर, शंका का तो मुझे पता नहीं। हाँ। लेकिन शंका तो ठीक ठाक ही है। अच्छा। हाँ जी फिर भी पार्टियां उस पर ध्यान नहीं दे रही। नहीं ध्यान नहीं दे रही, हमारे समाज में किसी ने आज तक कोई ध्यान दिया ही नहीं है सर। तो आप कैसा ध्यान चाहते हो, किस तरीके का ध्यान दे? बस सर सब जो लोग सब ऊपर आ रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे, आज यहाँ काम करने वाले की क्या वैल्यू है? काम करने वाले को कौन पूछ रहा है? कोई पूछ नहीं रहा है। तो वोट लेकर निकल रहे हैं बस भाई, ये है गरीबवाद है, हमारे समाज को पता भी नहीं है या नहीं। झाड़ू मार के और चले गए। समाज के लिए काम करना चाहिए, काम में क्या सर? दिल्ली के अंदर क्या है ये बताइए? दिल्ली स्कूल किसी भी उसको देख लो आप, क्या है? कुछ नहीं है। चलिए एमसीडी पर आते हैं। बीजेपी का शासन है 15-17 सालों का, कैसा लग रहा है? बीजेपी सही काम कर रही है? नहीं कोई काम नहीं किया बीजेपी ने, कुछ नहीं करा दिल्ली के अंदर। क्या काम किया? सब चोर है यहाँ। इस बार जनता का मूड क्या है? जनता का यहाँ कोई मूड नहीं है। जनता तो हम यहाँ गरीब आदमी, इनको पता ही नहीं है। वो कहा ना किसी ने कहा था कि भाई गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो ना, यहाँ तो वही गुलाम है, जूते खाओ। आज मैं एक देख रहा था फोन के अंदर ऐप, किसी ने कहा कि भाई एक काम करो तुम यहाँ आओ और सुबह जो मालिक होता या किसी कस्बे का मौजूदा होता है, कहता भाई एक काम करो, जो काम पे जाएगा वो दो जूते खा के जाएगा। और डेली उन्होंने कहा सर ठीक है, अब लोग गरीब आने लगे और दो दो जूते खा के चलने लगे। अब गरीब आदमी दो दिन हो, उसने एक हफ्ते के बाद पूछा हाँ जी भाई क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा सर हमारे लिए दो आदमी और बढ़ा दो, जो हम अब जूते खा के अपना फिर काम पे निकल जाए, ठीक है ना। आपको लग रहा है आपका समाज पीछे जा रहा है? हमारा समाज तो पीछे जा रहा है, कोई हमारे समाज के लिए कोई काम नहीं हो रहा सर, और गरीबों के लिए यहाँ क्या काम हुआ? कुछ नहीं काम हुआ। ठीक है आंटी, समस्याएं बताओ, आप बोल लेते हैं। समस्या ये है कि यहाँ कोई किसी की वैल्यू नहीं है भाई। हाँ। शिकल ही नहीं दिखाते वोट लेने के बाद। हाँ। कहाँ है कहाँ नहीं है, ठीक है जी। हाँ किसी के कोई मतलब कोई किसी के कोई वो नहीं है। क्या समस्याएं रह रही है? साफ सफाई होती है? समस्या है कुछ भी नहीं होती, साफ सफाई क्या होएगी? नाले नालियों की स्थिति की देखो क्या बुरा हाल है। हाँ, हाँ बहुत बुरा हाल है। तो क्या सोचा है? हम तो मतलब किसी को नहीं देंगे वोट। हाँ तो आंटी एक बात बताओ, जब नेता आते हैं कितने दिन के बाद दर्शन? एक 5 साल के बाद। 5 साल के बाद 5 साल तक बिल में घुस जाते हैं, बिल में तो सब निकल गए। हाँ। और जब उनके दर्शन होते हैं तो जनता क्या सोचती है? जब वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं। हाँ। तो आपके मन में क्या ख्याल आता? ख्याल आता है कि हमने वोट गलत दी। अच्छा जी। हाँ। तो इस बार किसी की सरकार नहीं? नहीं क्या सरकार है किसी की, जो काम करेगा उसे वोट देंगे। मोदी जी कैसे लगते हैं? हाँ मोदी ठीक है। केजरीवाल? हाँ केजरीवाल कुछ नहीं है, बेकार है। अच्छा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है आंटी। एक और चाचा है, बात करते हैं उनसे। एक चाचा है। एक सिर्फ घूमने तो ही गुजारा नहीं है। हाँ। बस में ही घूमने तो गुजारा है, सब चीज चाहिए बच्चों को, सब कुछ सब चीज चाहिए। हाँ और बता दो। बस और क्या बताऊँ, बता दी मैंने। हाँ। सरकार आनी चाहिए मजबूत बढ़िया। हाँ मोदी क्यों अच्छे लगते हैं? हाँ मोदी अच्छा है, ठीक है। क्यों अच्छे लगते हैं?
वो सबको पता है कि वो अच्छा लगता है। इधर आ जाओ, बोलो ना, दो मिनट बात कर लो मेरे से, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, सबको अच्छा लगता है वो, सबको पता है मोदी की वो अच्छा लगता है। केजरीवाल क्यों अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता, केजरीवाल दोगली बात करता है। अच्छा, हाँ, काम की बातें नहीं करता। नहीं करता, बिगरानी पकावे और खुआवे और खावे। वो तो कहता है आंटी आंटी। अरे आ जाओ, कहाँ जा रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं देखो जाने दे। एक मिनट आ जाओ, एक मिनट बात कर। केजरीवाल तो एक तरफ ये कहते हैं ना कि वो मतलब गरीबों को मुफ्त में राशन देते हैं, फ्री में बिजली देते हैं। बेकार बकवास है, किसी को नहीं, कोई किसको दे रहा बिजली फ्री में? हाँ। कहाँ दे रहा बिजली फ्री? केजरीवाल तो कहते हैं नहीं, उन्होंने दिए दिल्ली वालों। किसी को नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा। अच्छा। हाँ। मतलब केजरीवाल अच्छा नहीं है? नहीं। राहुल गांधी कैसे? क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी को कोई पूछ रहा क्या? तो फिलहाल हम जहांगीरपुरी में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से हमने बातें की हैं। मजेदार बात कर रही है यहाँ की जनता और आपस में ही, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो सिचुएशन है उसमें लोग बीजेपी से खफा हैं। आम आदमी पार्टी के भले ही पार्षद रहे हो लेकिन केजरीवाल की जो नीति है वो पसंद आ रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के शासनकाल को बेहतर बताते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जातिवादी बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि उनके समाज को वंचित रखा गया है सभी तरह की चीज़ों से और वो केजरीवाल से लेकर मोदी तक से खफा है। वहीं किसी और पार्टी को कोई जनाधार नहीं दिख रहा है। कुछ लोग वोट के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, कुछ लोग आम आदमी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं। यानी कि यहाँ की जो जनता है आपस में बटी हुई है और मज़ेदार बातें कर रही हैं। सभी के पास अपने अपने सवाल हैं, अपने अपने जवाब हैं। यहाँ से निकलती है हमारी गाड़ी, पहुँचेगी कहीं और, दिखाते रहेंगे आपको दिल्ली की MCD का महा कवरेज। दीजिए इजाजत गौरव को और सहयोग कर रहे थे अमन प्रजापति। देखते रहिए भैया जी गजब। नमस्कार।